नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कोरोना से भी असर, 12% की उछाल और सेंसेक्स 660 अंक मजबूत, एशिया के बाजार भी बढ़त में। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रूप के बीच बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 660 अंक उछलकर बंद हुआ है। वाहन और वित्तीय कंपनियों के शेयरों की अगुवाई में यह तेजी आई है। सेंसेक्स 660.68 अंक यानी 1.38% की बढ़त के साथ 48,544.06 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 194 अंक यानी 1.36% मजबूत होकर 14,504.80 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में टीडीएस, डॉक्टर रेटिस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और नेस्ले इंडिया में गिरावट रही। निवेशकों को सरकार की इस घोषणा से राहत मिली है कि बाहर दूसरे देशों के कोविड-19 टीकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है ताकि इसकी आपूर्ति सुधरे तथा टीकाकरण में और तेजी लाई जा सके। आईटी और दवा कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, सोल और टोक्यो बढ़त के साथ बंद हुए जबकि शंघाई नुकसान में रहा। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार भी मध्याह्न कारोबार में तेजी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। चीनी मिलों ने सितंबर में समाप्त होने वाले मार्केटिंग ईयर 2020-21 में अब तक देश से 24.9 लाख टन चीनी का निर्यात किया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा निर्यात इंडोनेशिया का हुआ है। व्यापार संगठन AISTA ने सोमवार को यह जानकारी दी। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ ने एक बयान में कहा कि खाद्य मंत्रालय ने चीनी मिलों को निर्यात के लिए 60 लाख टन का कोटा दिया है जिसमें से मिलों ने 33.3 लाख टन चीनी निर्यात का अनुबंध किया है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के मौके पर आज मुद्रा बाजार बंद रहा। कारोबारियों ने बताया है कि मंगलवार को गुड़ी पड़वा और बुधवार को आंबेडकर जयंती के अवसर पर मुद्रा बाजार में दो दिन के लिए कारोबार बंद है। गुरुवार को बाजार में सामान्य कारोबार होगा। शेयर बाजार में इक्विटी प्लेटफॉर्म पर मंगलवार को कारोबार हुआ जबकि मुद्रा प्लेटफॉर्म पर कारोबार बंद रहा। बुधवार को आंबेडकर जयंती के अवसर पर शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। विदेशों में खाद्य तेलों में तेजी के बीच दिल्ली थोक जिस बाजार में इनके दाम स्थिर रहे। तेलों के साथ दालों और चीनी के दाम भी अपरिवर्तित रहे जबकि चावल की कीमत घट गई। तेल तिलहन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का जून वादा बैनर रेटिंग चढ़कर 3,742 रेटिंग प्रति टन पर पहुंच गया। जुलाई का अमेरिकी सोया तेल वादा भी 0.87 सेंट की बढ़त के साथ 50.45 सेंट प्रति पॉट बोला गया। स्थानीय बाजार में आवक और उठाव में संतुलन से सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, सोया तेल, पाम ऑयल और वनस्पति के दाम पिछले दिवस पर ही स्थिर रहे। गुड़ चीनी की बात करें तो मीठे के बाजार में कारोबार सुस्त रहने से चीनी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गुड़ के भाव पिछले दिवस पर स्थिर रहे। दाल दलहन की बात करें तो चना दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल और उड़द दाल के भाव अपरिवर्तित रहे। चने की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अनाज की बात करें तो अनाजों में गेहूं की कीमत स्थिर रही जबकि चावल 50 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन संशोधित लक्ष्य से भी ज्यादा रहा है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत जीएसटी, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी आते हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 9.54 लाख करोड़ का रहा था। 2020-21 के लिए इसका संशोधित लक्ष्य 9.79 करोड़ था लेकिन 10.71 करोड़ का कलेक्शन हुआ जो सालाना आधार पर 12.3% ज्यादा और संशोधित लक्ष्य का 108.2% है। 2020-21 में केंद्र का जीएसटी कलेक्शन 5.48 लाख करोड़ रहा जो वित्त वर्ष 2019-20 के 5.99 लाख करोड़ से 8% कम है। कस्टम कलेक्शन 1.32 लाख करोड़ रहा जो 2019-20 में एकत्रित 1.09 लाख करोड़ रुपए से 21% अधिक है। सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स से 3.91 करोड़ आए जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में आए 2.45 लाख करोड़ रुपए से
29.2% अधिक है। कोविड-19 की वजह से 2020 से 21 की पहली छमाही में जीएसटी कलेक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन दूसरी छमाही के दौरान इसमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और पुरानी कमी पूरी करते हुए लगभग 1,00,000 करोड़ का अतिरिक्त कलेक्शन हो गया। मार्च में सबसे ज्यादा 1.24 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कोरोना से बेअसर, 12% की उछाल और सेंसेक्स 660 अंक मजबूत, एशिया के बाजार भी बढ़त में। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।